हेलो गाइस, माय नेम इज योगेश एंड वेलकम टू आवर चैनल स्टूडेंट लाइफ लर्निंग। सो गाइस, आपके लिए यहां पर देखो कुछ गुड न्यूज़ है, आपके लिए खुशखबरी है, और यहां पर टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से कुछ न्यूज़ आई है जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खुशखबरी है, मतलब एक पॉजिटिवली वे में है, फुल्ली आपके लिए दोस्तों बेनिफिशियल है। और आगे हम बात करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट डाउट है जो छात्रों के मन में है, बहुत ही ज़्यादा बड़े जो सवाल हैं उसके बारे में भी आज हम चर्चा करेंगे। तो फाइनली वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, और वीडियो को कहीं से भी स्किप ना करें, क्योंकि आगे हमने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात करी है डिप्रेशन छात्रों के लिए जो पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं इस टाइमिंग में। तो भाई सीधा फिलहाल अभी कुछ गुड न्यूज़ पे आते हैं। तो हिंदुस्तान टाइम्स की तरफ से कुछ दिन पहले ये गुड न्यूज़ आई है जो हमारे पॉजिटिवली वे के लिए है, जो कहीं ना कहीं हमारे बेनिफिशियल के लिए है। तो इस न्यूज़ में आप स्क्रीनशॉट देख सकते हो कि नो एग्जाम इन कोविड, NSIU प्रोटेस्ट आउटसाइड HRD मिनिस्टर। तो यहाँ पर दोस्तों कुछ दिन पहले दोस्तों NSIU के जो छात्र है वहाँ पर छात्रों के द्वारा दोस्तों यहाँ पे स्टूडेंट के द्वारा यहाँ पे कुछ प्रोटेस्ट हुआ है। तो अब बात करते हैं डिटेल में कि हुआ क्या है। तो दोस्तों कुछ जो छात्र हैं यहाँ कर, मतलब कि कांग्रेस एफिलेटेड नेशनल स्टूडेंट, ठीक है, तो उन्होंने दोस्तों सरकार को लेकर यहाँ पर अपना एक मुहिम चलाई है, एक फैसला किया है कि नो एग्जाम इन कोविड। उन्होंने दोस्तों क्या किया कि HRD मिनिस्टर के घर के पास जाके उन्होंने प्रोटेस्ट किया। उन्होंने ये कहा कि सरकार को हमारी बिल्कुल भी परवाह नहीं है, एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा इसको लेकर अभी तक कोई लेटेस्ट अपडेट नहीं आई है, कोई जारी नोटिफिकेशन नहीं हुआ है, हम ऐसे नहीं रह सकते। तो सरकार को लेकर उन्होंने दोस्तों यहाँ पर प्रोटेस्ट किया है। तो और उन्होंने दोस्तों कुछ ये भी कहा है कि वॉकअप इंडिया, मतलब कि वॉकअप MHRD, सरकार जागो, हमारे साथ ऐसा नहीं हो सकता है, अन्याय, लेटेस्ट अपडेट जल्द से जल्द जारी करो। तो उसको लेकर दोस्तों यहाँ पर हिंदुस्तान टाइम्स की तरफ से ये न्यूज़ आई थी जो हमारे लिए बहुत पॉजिटिवली वे में है कि इस तरह की न्यूज़ अगर ऐसी तरीके से आती रही तो इस और ऐसे न्यूज़ को देखते हुए, कोरोना केसेस को देखते हुए दोस्तों एग्ज़ाम होना मुश्किल है। तो ऐसे में दोस्तों एग्ज़ाम कैंसिल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और इसी को लेकर दोस्तों खुशखबरी यहाँ पे ये भी बन रही है कि जो हिंदुस्तान टाइम्स की तरफ से 3-4 दिन पहले भी एक न्यूज़ ये आई थी कि सरकार ने पूछा था, मतलब HRD मिनिस्टर ने अपने सेक्रेटरी से पूछा था कि एग्ज़ाम स्कूल कॉलेज ओपन होने चाहिए या एग्ज़ाम होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, तो उसको लेकर पेरेंट्स पर ये फैसला जाएगा, इसको लेकर ये बात भी कही थी। तो सरकार के हाथ में ये फैसला है, तो सरकार और हमारे जो प्राइवेट स्कूल है, जो हमारे पेरेंट्स है, इनका पूरा फुल सपोर्ट है कि आपके एग्ज़ाम नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपके गली में, आपके मोहल्ले में, आपके सोसाइटी में भी 3-4 केस जरूर आ चुके होंगे, तो ऐसे में आपका एग्ज़ाम देना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो अभी एक बात और करते हैं, गुड न्यूज़ जो है आपके लिए एक और है कि CBSE की तरफ से अभी फ़िलहाल क्या खबर निकल कर आ रही है। तो छात्र का ये भी डाउट था कि अगर ऑप्शनल एग्जाम नहीं होते, अगर CBSE कंपार्टमेंट एग्जाम नहीं लेती क्लास 10th और 12th, तब दोस्तों ऑप्शनल एग्ज़ाम होगा। यहाँ पर दोस्तों कोई चांस नहीं बनता है कि आपके ऑप्शनल एग्ज़ाम होंगे। यहाँ पर अगर दोस्तों ऐसा डिले भी नहीं होगा कि 3-4 महीने बाद आपके एग्ज़ाम होंगे या 1 साल बाद होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि ऐसे में दोस्तों आपको ग्रेस मार्क्स देके आपको पास कर दिया जाएगा, आपको प्रमोट कर दिया जाएगा। तो क्लास 10th के 11th में, 11th के 12th में, और 12th के ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे में दोस्तों ये खुशखबरी ये भी है। तो गाइस कुछ कमेंट ऐसे आए तो कह रहे थे कि सर जिनके एरिया में कोरोना पॉजिटिव है, जिनके एरिया सील हो चुका है, वो एग्ज़ाम कैसे देंगे। तो भाई देखो, मैं ये कहता हूँ कि आपकी लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी लाइफ ऐसे वेस्ट नहीं हो सकती, इसीलिए आपको लेकर हमने यहाँ पर मुहिम चला रखी है, एग्ज़ाम नहीं होना चाहिए, और हमारी ये मेहनत बेकार नहीं जाएगी, कुछ भी करके ये एग्ज़ाम नहीं होने चाहिए। तो आपसे मैं फिर से कहता हूँ कि जिस स्टूडेंट ने ईमेल ट्विटर पे ट्वीट नहीं किया है तो प्लीज़ जाके करिए। और मैं यहाँ पर कुछ ईमेल दे रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट ईमेल दे रहा हूँ, जो जैसे कि CBSE के हैं, HRD मिनिस्टर के हैं, डायरेक्टर के हैं, और डॉक्टर रमेश पोखरियाल जी के हैं। तो ये कुछ ईमेल है, इस पर ज़्यादा से ज़्यादा मेल करें, ये बात जरूर लिखें कि ड्यू टू COVID-19 # कैंसिल कंपार्टमेंट एग्जाम 2020। तो भाई इस मुहिम को अभी तक चलाते रहिए, तो ये ट्वीट ज़्यादा से ज़्यादा करते रहिए। और जिस छात्र के पास अभी कह रहे हैं कि मेरे पास अकाउंट नहीं ट्विटर का, तो भाई मेरे इस वीडियो पे जाके भी आप ये ट्वीट कर सकते हैं, ताकि ये वीडियो के इस माध्यम से हमारी बातें ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूब पर भी हमारी बातें ज़्यादा से जाए, ताकि हम इसको पेटिशन ज़्यादा से ज़्यादा फाइल दर्ज कर सकें। और मैंने कल कम्युनिटी टैब में दोस्तों एक पोस्ट किया था जिसमें लिखा था कंपार्टमेंट एग्जाम नहीं होना चाहिए, कंपार्टमेंट एग्जाम होना चाहिए, ऑनलाइन होना चाहिए। तो भाई मुझे आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है, मुझे आप लोगों की हेल्प चाहिए। तो वहाँ पर जाओ कम्युनिटी टैब में, मेरे वीडियो पर जाके, चैनल पर जाके वहाँ पर जाओ, वहाँ पर दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें, ताकि आपका ये पेटिशन, आपका ये सपोर्ट लेके मैं ट्विटर पर ट्वीट कर सकूँ और इस मुहिम को साथ दे सकूँ। तो भाई प्लीज़ जाके वो सपोर्ट पर पोस्ट जरूर करें।
तो दोस्तों कुछ कमेंट ऐसे आए थे जिसमें कह रहे थे कि सर मैं डिप्रेशन में हूँ, एग्ज़ाम आएगा नहीं आएगा मुझे पता नहीं, एग्ज़ाम कंफर्म करो और मैं बहुत डिप्रेशन में हूँ, मुझसे पढ़ाई वढ़ाई नहीं हो रही है, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं क्या करूँ। भाई आप एक बार ये सोचो कि आपकी प्रॉब्लम इस दुनिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, आप एक बार इस पर सोचो। आपको पता है कि ना जाने कितने सारे लोग हैं, कितने सारे लोग हैं दोस्तों जिनको दो वक्त की रोटी तक नसीब नहीं होती, पूरा दिन मेहनत करते हैं दो वक्त की रोटी के लिए। आपको पता है कितने सारे लोग हैं, आपके पेरेंट्स हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे पेरेंट्स अगर पूरा दिन घर से बाहर रहते हैं तो सिर्फ रोटी के लिए, घर चलाने के लिए, ताकि आप खुश रहो। आपके पेरेंट्स आपके लिए मेहनत करते हैं। बहुत सारे लोगों के पास दोस्तों रहने के लिए घर नसीब नहीं होता, सड़क पर रहते हैं, सड़क पर रोज मतलब कि सिर्फ छोटा मोटा धंधा करके, छोटा मोटा काम करके अपना पैसा कमाते हैं ताकि दो वक्त की खाना नसीब हो, और आपकी प्रॉब्लम आपको लगता है सबसे बड़ी है। तो खासकर एक बात मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, जो ज़्यादा ही लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, जिसके ऊपर जिसके घर के सारी जिम्मेदारी है, जो अपने घर के बड़े हैं, भाई आप घर के बड़े हो, आपके पास आपके घर की जिम्मेदारी है। और ऐसे में छात्रों को कहना चाहता हूँ जो ये कह रहे थे कि सर मुझे पढ़ाई नहीं होती, मैं डिप्रेशन में हूँ, भाई आपकी प्रॉब्लम इस देश में सबसे बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। तो आपसे मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि एग्ज़ाम ही कुछ नहीं होता, एग्ज़ाम आपकी लाइफ नहीं है। ये मैटर नहीं करता है कि आपके 70% आए तो आप पढ़ने में बहुत तेज़ होंगे और आपके 50% आए तो आप पढ़ने में तेज़ नहीं होंगे। भाई सारी चीज़ डिपेंड करती है आपकी नॉलेज पे। हाँ मैं जानता हूँ कि आपके साथ बहुत नाइंसाफ़ी हुई है, कि बहुत सारे छात्र ऐसे हैं कि जिनके सिर्फ एक सब्जेक्ट में एक दो मार्क्स से कंपार्टमेंट दे दी, यार तानी क्या कॉपी चेक करते हैं, मुझे समझ में नहीं आता यार, एक दो मार्क्स तो कहीं पे भी एडजस्ट हो जाता है। और ऐसा कैसे हो सकता है कि जो छात्र दोस्तों क्लास में अच्छा पढ़ता था, जिसके टीचर भी ट्रस्ट करते थे, पेरेंट्स ट्रस्ट करते थे, और आज वो सारा ट्रस्ट ख़त्म हो गया सिर्फ एक दो मार्क्स की वजह से, सिर्फ एक दो मार्क्स की वजह से उनका ये डिसाइड नहीं हो पाएगा कि वो एडमिशन ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे, 11th में जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे, 12th में जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे, कॉलेज में एडमिशन ले पाएंगे नहीं ले पाएंगे, सिर्फ एक दो मार्क्स की वजह से, सिर्फ एक सब्जेक्ट के कंपार्टमेंट की वजह से। तो मैं भी आपकी के साथ हूँ, मैं जानता हूँ, लेकिन भाई आप पढ़ाई जरूर करते रहें, आपको आदत बनानी होगी, क्योंकि 21 दिन लगते हैं आदत बनाने में। तो भाई प्लीज़ आपके लिए सिर्फ यही रिक्वेस्ट है कि आप पढ़ाई करते रहो, आपको डिमोटिवेटेड नहीं होना है। भाई ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, ये छोटी छोटी बातों पर आपको परेशान नहीं होना है, आप पढ़ाई करते रहो, इसलिए करते रहें ताकि आपका अगला साल खराब ना हो, तो साथ ही साथ तैयारी भी करते रहें। तो भाई पढ़ाई प्लीज़ करते रहें। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।